जालौर से बड़ी खबर है, रीट परीक्षा का पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी राजू इराम गिरफ्तार हुआ है। रीट का पेपर लीक कर बेचा था अभ्यर्थियों को लाखों रुपयों में बेचा था पेपर। जालौर पुलिस ने बीकानेर पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। बीकानेर के नोखा से जालौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है आरोपी से। जालौर पुलिस टीम यहां पर पूछताछ कर रही है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई। जालौर पुलिस एसओजी सिरोही पुलिस लंबे समय से यहां तलाश कर रही थी आरोपी पर। जालौर व सिरोही पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। तो बीकानेर से अहम खबर, जो आरोपी से जालौर पुलिस टीम पूछताछ कर रही है। रीट परीक्षा का पेपर लीक मामले का ये मुख्य आरोपी राजू इराम, जिसे गिरफ्तार किया गया है। रीट का पेपर लीक कर इसने अभ्यर्थियों को बेचा था, लाखों रुपए में पेपर को बेचा था। जालौर पुलिस ने बीकानेर पुलिस की मदद से ये गिरफ्तारी की है। और संवाददाता लूणाराम दर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लूणाराम, बेहद अहम कामयाबी है ये पुलिस की, जिस तरह से गिरफ्त में आया है, ये पूरी जानकारी चाहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है एसओजी पुलिस की और तमाम की, क्योंकि लंबे समय से एसओजी जालौर पुलिस सिरोही पुलिस इसे तलाश रही थी। ये जालौर और सिरोही का इनामी बदमाश की है, 5,000 का इनाम इस पर पुलिस ने घोषित कर रखा है। पर रीट परीक्षा का ये मुख्य आरोपी है, मुख्य सरगना है। इसके गिरफ्तारी के लिए एसओजी की जो टीमें, 3 से 4 टीमें जालौर में कई दिनों से डेरा डाले हुए थी, इसके बावजूद भी ये गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। अब पुलिस ने, जालौर पुलिस ने बीकानेर पुलिस की मदद लेकर बीकानेर के नोखा से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने पूरे मामले को लेकर पुष्टि की है और गिरफ्तारी के साथ ही आरोपी से पुलिस टीमें लगातार पूछताछ कर रही है। इससे रीट से जुड़े हुए बहुत सारे खुलासे सामने आएंगे, बहुत सारे राज सामने आएंगे। इसके साथ ही ठीक है, लूणाराम आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले तो बधाई, बड़ी कामयाबी है क्योंकि लंबे वक्त से इसे पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही थी, किस तरह से गिरफ्त में आया? ये तो हमें प्योरली सूचना एकत्रित करके और लंबे समय से, क्योंकि हम पीछे थे, कई जगह दबिश भी दी जा रही थी, उसी के आधार पे इसको हमने दस्तयाब किया है, जिसमें बीकानेर के नोखा पुलिस का विशेष योगदान रहा। जी हर्षवर्धन जी, अब पूछताछ में भी क्या कुछ सामने आया है, इससे बात पूछताछ की गई होगी? अभी अग्रिम अनुसंधान जारी है, इस वक्त इस पे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। ठीक है, ये इसके अकेले की गिरफ्तारी हुई या कुछ और लोग भी गिरफ्तार हुए अभी इसके साथ? अभी हमने इसको दस्तयाब किया है और आगे जैसे जैसे आएगा तो अन्य मुलजिमों को भी दस्तयाब किया। चलिए, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला, जिनका से साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये दस्तयाब हमने इसे कर लिया है, पूछताछ से की जा रही है और अब कड़ी से कड़ी जोड़कर और भी अहम खुलासे होंगे, और भी कुछ लोग जो पर्दे के पीछे होंगे वो भी बेनकाब होंगे बहुत जल्द। तो बड़ी कामयाबी जालौर पुलिस की, बीकानेर पुलिस की मदद से रीट पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी राजू इराम गिरफ्तार किया गया है।